लास्ट क्लास में फिजिक्स में इस समय हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग का जो लेसन है हमारा उसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने विद्युत चुंबकीय तरंग के लेसन से रिलेटेड फॉर्मूले वगैरह देखे हुए थे, उनकी उनको रिवाइज किया था, प्रैक्टिस की हुई थी और उन पर बेस्ड दो न्यूमेरिकल दो आंकिक प्रश्न भी हमने लगाए हुए थे। और मुझे यकीन है कि आपको फॉर्मूले वगैरह याद होंगे, अभी या नहीं याद रहते हैं तो पीछे आपने कॉपी पे लिखे हुए हैं, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। आज अगला न्यूमेरिकल हम लोग लगाने चलेंगे जो कि थर्ड नंबर न्यूमेरिकल होगा। इस थर्ड नंबर न्यूमेरिकल में मैं पढ़ता हूँ, आप भी ध्यान से सुनिए। लिखा हुआ एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम ई नॉट इज इक्वल टू 120 न्यूटन पर कूलोम है। एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग है और उसमें वैद्युत क्षेत्र का आयाम, वैद्युत क्षेत्र का आयाम मतलब वैद्युत क्षेत्र की पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू 120 न्यूटन प्रति कूलोम है, जिसे ई नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। और उसकी आवृत्ति 50 मेगा हर्ट्ज है। देखिए आवृत्ति जो दी गई है वो 50 मेगा हर्ट्ज, 1 मेगा हर्ट्ज में 10^6 हर्ट्ज होते हैं, तो 50 मेगा हर्ट्ज में 50 × 10^6 हर्ट्ज बनेंगे। अभी हम नोट करेंगे, फिर उसके बाद तो लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट में कुछ चीजें पूछी जा रही हैं। लिखा हुआ बी नॉट पता लगाइए, ओमेगा, के और लैम्डा, ये सारी चीजें याद है ना। बी नॉट क्या चीज होता है? चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान। ओमेगा है कोणीय आवृत्ति, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, के है संचरण नियतांक और लैम्डा तरंग दैर्ध्य है, ठीक है ना। ई तथा बी के लिए व्यंजक प्राप्त करिए, आपको ई और बी के लिए भी एक व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है ना। तो देखते हैं फिर किस तरह से इन्हें सॉल्व करेंगे। सबसे पहले न्यूमेरिकल्स में हमेशा की तरह जो दिया गया है उसको नोट करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में एक तो वैद्युत क्षेत्र का आयाम दिया है, ई नॉट इज इक्वल टू 120 न्यूटन पर कूलोम। उसके साथ आवृत्ति दी गई है न्यू, न्यू इज इक्वल टू 50 मेगा हर्ट्ज है, मेगा हर्ट्ज। मेगा हर्ट्ज को हर्ट्ज में बहुआ बदलेंगे तो हमको 10^6 हर्ट्ज लेना पड़ेगा। और अगर बेटा ये वाला जीरो भी आप इसको देंगे ना तो फिर ये न्यू की वैल्यू बन जाएगी 5 × 10^7 हर्ट्ज, ये आ जाएगा, ठीक है। अब वन बाय वन हम इस पे जो पूछी गई है क्वांटिटीज उनको हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले बी नॉट के बारे बताना है। तो है कोई फॉर्मूला आपके पास ऐसा जिसमें से दी गई राशियों का प्रयोग करके और हम बी नॉट निकाल सकें? एक फॉर्मूला आपको बताया गया था कि ई नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू सी, याद आ रहा है आपको? वैद्युत क्षेत्र का शिखर मान, चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान, इन दोनों का अनुपात विद्युत चुंबकीय तरंग की वेग यानी कि प्रकाश के वेग के बराबर होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे प्रकाश के वेग से चलती है ना, जो लाइट की स्पीड होती है, क्योंकि लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो जो लाइट की स्पीड है वही विद्युत चुंबकीय तरंगों की स्पीड होती है। तो यहां से हमको ई नॉट दिया गया, बी नॉट चाहिए, इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर ले आएंगे, देन बी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन सी। E नॉट की जगह पर बहुआ हम लिखेंगे 120 न्यूटन पर कूलोम। C सब कोई जानता है 3 × 10^8 मीटर पर सेकंड। इसको सॉल्व करिए, 3 × 4 = 12, ये हो गया 40 × 10^-8, ये ऊपर जाएगा ना, -8 आ जाएगा। इस तरह से बहुआ B नॉट की वैल्यू आई 4 × 10^-7, और क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र का आयाम है इसलिए आप इसका जो यूनिट होता है आप टेस्ला लिख सकते हैं, ठीक है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर लिख सकते हैं, वेबर लिख, वेबर पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, इस तरीके से इसके यूनिट आप बना सकते हैं। हाँ एक चीज मुझे याद आ रही है, पिछली क्लास में एक जो न्यूमेरिकल लगाया गया था जिसमें वैद्युत ऊर्जा घनत्व और चुंबकीय ऊर्जा घनत्व आपको निकाल के दिखाए गए, तो उसमें वैल्यू कुछ आई थी 5.1 × आई थी। उसमें यूनिट आपने क्या लिखा था? जूल पर मीटर स्क्वायर, पर
मैं मेरे से गलती हो गई थी, आई एम सॉरी, इसका यूनिट होता है जूल पर मीटर क्यूब, ऊर्जा घनत्व का मात्रक जूल पर मीटर स्क्वायर। नहीं, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि एकांक आयतन में स्थित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है कुल ऊर्जा बटे आयतन। कुल ऊर्जा को अगर जूल में लिखेंगे तो बटे आयतन का यूनिट तो मीटर क्यूब होगा ना, तो जूल पर मीटर क्यूब उसका यूनिट होता है। तो आप इसको याद कर लीजिए और वहां जाके सही कर लीजिएगा कि ऊर्जा घनत्व का मात्रक जो होता है, ऊर्जा घनत्व का मात्रक जूल पर मीटर स्क्वायर नहीं होता, बल्कि ऊर्जा घनत्व का मात्रक जूल प्रति मीटर क्यूब होता है, ठीक है ना। अच्छा, ये हमने बी नॉट निकाल लिया, अब क्या करना है, ओमेगा निकालना है। ओमेगा के लिए है कोई आपके पास फॉर्मूला? वैसे 2 पाई न्यू भी तो फॉर्मूला होता है ओमेगा का, तो ओमेगा के लिए हम वैल्यू लिखेंगे 2 पाई न्यू, 2 की जगह 2, पाई की जगह 3.14, और न्यू की जगह 5×10⁻⁷। अब देखो, पहले 2 से इसको गुणा कर लो, तो 2×5 = 10 हो जाएगा, और 10 को जब इससे गुणा करेंगे तो बेटा ये बन जाएगा 3.14×10⁸। कैसे? ये तो हमने यही लिख दिया, और ये 2×5 = 10 हुआ ना, 10 का 0 हमने 7 को दिला दिया, तो उसको 8 बना दिया। इस तरीके से ये ओमेगा की वैल्यू आ गई, और ओमेगा का यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड। तो ये ओमेगा की वैल्यू निकल करके हमको मिल गई। ओमेगा के बाद हमको के चाहिए, के लिए क्या फॉर्मूला है बताइएगा हमको। के का वैसे तो फॉर्मूला 2π/λ होता है, पर लैम्डा तो हमको अभी तक मालूम नहीं है, तो और कोई सोचिए फॉर्मूला। के का एक फॉर्मूला, वी का एक फॉर्मूला बताया गया था आपको, वी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के बताया गया था। क्या था? तरंग के वेग का सूत्र देखिए जरा आप, तरंग के वेग का सूत्र ओमेगा अपॉन के, और यहां तरंग कौन सी है? विद्युत चुंबकीय तरंग। इसका वेग कितना होता है? प्रकाश के वेग के बराबर, तो C इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के। और यहां से अगर हम निकालेंगे किसकी वैल्यू, K की वैल्यू, तो K की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा अपॉन C। यहां से हम K निकाल सकते हैं, या आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप पहले लैम्डा निकाल लें फिर K निकाल लें। आपको ये चार राशियां निकालनी है, आप चाहे जैसे कर लो। चलो, अब हमने बना लिया है तो इसे सॉल्व कर लेंगे। के की वैल्यू लिखेंगे ओमेगा अपॉन सी, और ओमेगा की वैल्यू है बउआ 3.14×10⁸। सी की वैल्यू है बेटा 3×10⁸। इसको सॉल्व करें, 3 से इसको डिवाइड करें, 3×1 = 3, 0×3 = 4 = 12। बस, और 10⁸ से 10⁸ कैंसिल हो जाएगा, ये के आ जाएगा इस तरीके से। तो के का मान कितना आ जाएगा आपका? 1.05। इसमें 1.04 आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब इसका यूनिट बता दीजिए जरा हमको के का। पिछली बार हमने बताया था पिछली क्लास में 2π/λ, 2π एंगल है नहीं मात्रक है, अपॉन लैम्डा पर मीटर, तो इसलिए के का यूनिट जो होगा वो प्रति मीटर आएगा, या तो बेटा आप मीटर -1 कर सकते हैं, ठीक है। ये K की वैल्यू हो गई, तो B नॉट हो गया, ओमेगा हो गया, K हो गया, अब लैम्डा की बारी आ गई है। आपको नहीं लगता लैम्डा इज इक्वल टू C अपॉन न्यू से निकाल लिया जाए? C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू C अपॉन न्यू। C की जगह पर 3×10⁸, और न्यू की जगह पर ये वैल्यू है 5×10⁷। सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिएगा बेटा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो जब 10⁷ से 10⁸ कैंसिल होगा तो क्या बचेगा? 10। फिर 10 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 30। 30/5 कर देंगे तो 6 आ जाएगा। इस तरह से लैम्डा की वैल्यू आ गई 6 मीटर। तो जो भी विद्युत चुंबकीय तरंग है उसका लैम्डा यानी कि उसका जो वेवलेंथ है वो 6 मीटर के बराबर होगा। इस तरह से
हमने फर्स्ट पार्ट में जितनी भी क्वांटिटीज हमको अननोन दी गई थी और बोला गया था ज्ञात करिए, वो हमने निकाल लिया है। अब सेकंड पार्ट की तरफ रुख करेंगे हम, इसको हम हटा दे रहे हैं। सेकंड पार्ट आप देखेंगे तो आपको उसमें दो चीजें पता लगानी है। आपको वेक्टर ई और वेक्टर बी के लिए व्यंजक प्राप्त करिए। ई और बी के लिए व्यंजक हमने बताए थे। अगर हम ये मान लें कि हमारी जो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो एक्स अक्ष की तरफ गति कर रही है, तो उस समय ई का सूत्र क्या होगा और बी का सूत्र क्या होगा। सेकंड पार्ट आपको लिखाया गया था, ई की वैल्यू बनती है ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और इसके साथ क्या लगा देना, जे कैप, क्योंकि अगर एक्स अक्ष की तरफ तरंग संचरित हो रही है तो वाई अक्ष की दिशा में वैद्युत क्षेत्र और जेड अक्ष की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। अब इनकी वैल्यू लिखनी है हमको भाई, ई नोट की जगह पर बेटा क्या लिखेंगे आप, 120। इसके बाद साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, के का मान निकाला है आपने 1.04x माइनस ओमेगा की वैल्यू भैया कितनी लिखी जाएगी, 3.14 × 10⁸, 3.14 × 10⁸, उसके साथ टी और साथ में ये जे कैप, ये हमने वेक्टर ई के लिए व्यंजक लिख के दिखा दिया। देखिए अब ये हमको बताइए भैया कि वेक्टर ई के लिए जो व्यंजक हमने ये लिखा है क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया भाई, आ रहा है ना समझ में भाई, जो उसमें राशियां आती है फॉर्मूले पे उन सबके तो मान हम पहले पार्ट पे निकाल चुके हैं, तो वहां से ले लेकर हमने वैल्यूज लिख दी। हाँ एक काम नहीं किया हमने, क्योंकि ये ई का मान है तो ई का मात्रक नहीं लिखा, ई का मात्रक क्या होता है न्यूटन प्रति कूलम, पर ये ई का व्यंजक आ गया। अब बी का व्यंजक हम निकालेंगे, वेक्टर बी का व्यंजक याद है आपको, ये होता था बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और एक्स अक्ष की दिशा में अगर तरंग संचरित हो रही है, वाई अक्ष की दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो फिर जेड अक्ष की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र होगा, और अगर चुंबकीय क्षेत्र जेड अक्ष की दिशा में है तो इसके साथ हमको क्या लगाना पड़ेगा, के कैप लेना पड़ेगा। अब इस पे वैल्यू अप्लाई कर दीजिए, तो बी नॉट की जगह पर यहां से देखो कुछ आया है मान इसका, 4 × 10⁻⁷, 4 × 10⁻⁷ इंटू साइन के एक्स, के इज अगेन 1.04 पर मीटर, एक्स माइनस ओमेगा, ओमेगा इज 3.14 × 10⁸, उसके साथ टी और के कैप, और इसका यूनिट आप देखें चुंबकीय क्षेत्र का यूनिट क्या होता है, टेस्ला। इस तरीके से ये चुंबकीय क्षेत्र का भी व्यंजक आपको मिल जाएगा। ये देखिए बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था, इस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है ना, तो ऐसे उसको सॉल्व करना। अभी ये बता दीजिए हमको कि क्या ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है कि नहीं आया है भाई, आ गया है सभी को, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, अगर कोई डाउट है तो हमको बताया करें भाई आप, तो अगर नहीं है तो आप प्लीज इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद और आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, नोट करिए सभी लोग जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, लिखा हुआ सूर्य से आने वाले प्रकाश का वैद्युत क्षेत्र का वर्ग माध्य मूल मान 720 N/C है। मतलब सूर्य से जो भी प्रकाश आता है उसमें जो वैद्युत क्षेत्र है उसका वर्ग माध्य मूल मान, क्योंकि सूर्य से जो लाइट आती है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो उस विद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का जो वर्ग माध्य मूल मान है, वैद्युत क्षेत्र के अधिकतम मान को हम ई नोट से लिखते हैं, पर वैद्युत क्षेत्र का जो वर्ग माध्य मूल मान है हम चाहें तो उसे ई आर एम एस से भी लिख सकते हैं, या इस लेसन में सिंपली उसको ई से लिखा गया है। ठीक है ना, तो वर्ग माध्य मूल मान ई आर एम एस, या हम उसको ई भी कह सकते हैं। इसकी वैल्यू हमको टोटल कितनी दी गई है, 720 N/C। अब उन्होंने बोला वैद्युत चुंबकीय तरंग का औसत कुल ऊर्जा घनत्व क्या होगा, वैद्युत चुंबकीय तरंग का औसत और कुल ऊर्जा घनत्व। देखिए आपको औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व नहीं चाहिए,
अगर हमको औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व चाहिए होता, ध्यान से देखिएगा, हम सारी चीजों को तो वर्ड्स में नहीं लिख पाएंगे क्योंकि हम आपको समझा चुके हैं, इसलिए कोशिश करिए आप उसको देखने की, कि अगर हमसे बोला जाता कि औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व निकालिए, वैद्युत ऊर्जा घनत्व, तो हम UE का सूत्र लगाते और फॉर्मूला था 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू E स्क्वायर, सबको याद है, देखिए अभी। और अगर हमसे बोला जाता कि औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व बताइए, तो हम उसके लिए UM का फॉर्मूला लगाते, 1/2 म्यू नॉट अपॉन बी स्क्वायर, तब हम ये फॉर्मूला लगाते। यहां बेटा जो ई है ना, ये वैद्युत क्षेत्र का वर्ग माध्य मूल मान है, और जो बी है ये चुंबकीय क्षेत्र का वर्ग माध्य मूल मान है। हम चाहें तो इनको अधिकतम मान में बदल सकते हैं, लेकिन यही हम लगाएंगे क्योंकि हमारे क्वेश्चन में भी तो वर्ग माध्य मूल मान ही दिया गया है, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में ना तो औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व पूछा है और ना ही तो औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व पूछा है, बल्कि औसत कुल ऊर्जा घनत्व पूछ लिया उन्होंने। अब अगर औसत कुल ऊर्जा घनत्व चाहिए, टोटल एनर्जी डेंसिटी अगर आपको चाहिए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए बता सकते हैं? इन दोनों का जोड़ ले लेना चाहिए, तो हम दोनों को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। और ये भी आपको सिखाया गया था, क्योंकि इन दोनों के मान आपस में होते कैसे हैं, बराबर होते हैं, तो अगर बराबर होते हैं तो या तो दोनों को जोड़ के आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर या 1/2 म्यू नॉट अपॉन बी स्क्वायर, या तो ऐसे निकाल सकते हैं। और क्योंकि दोनों के मान बराबर ही हैं, तो हम चाहें तो हम ऐसा भी कर सकते हैं बेटा, अगर ये दोनों ही इक्वल हैं तो हम चाहें तो किसी एक का डबल भी कर दें, तो हम कर सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, या हम इसका डबल कर दें तो यह जाएगा म्यू नॉट अपॉन बी स्क्वायर, बात तो वही है ना। और ये सुविधा केवल आपको कब मिल पा रही है, जब दोनों के मान आपस में बराबर हैं। तो एक हमारी जो थ्योरी है वो ये कहती है कि दोनों की वैल्यूज आपस में बराबर हैं, तो कुल ऊर्जा घनत्व तो आप इससे निकाल लीजिए, यहां से सॉल्व करके निकाल सकते हैं, या केवल इससे भी निकाल सकते हैं, या इससे भी निकाली जा सकती है औसत कुल ऊर्जा घनत्व। यहां पर हमें कौन सा सूत्र लगाना चाहिए, तो हमें वो फॉर्मूला लगाना चाहिए जिस फॉर्मूले में जो राशियां आई हैं वो हमको दी गई हो। अब आप बताइए, क्या ये वाला लगाना, ये लगा लें या इसको लगाने से आंसर आ जाएगा? आपको दिख रहा होगा कि इसको लगाने से आंसर आ सकता है, ई क्योंकि हमको दिया गया है। रही बात एप्सिलॉन नॉट की, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड यू नो द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट वेरी वेल, उसको हम नोट कर लेंगे। बाकी इसको लगाने जाओगे तो ये तो मालूम है पर बी नहीं मालूम, इसको लगाने जाओगे तो इसके बारे में पता है, इसके बारे में नहीं पता हमको। तो अब ऐसी सिचुएशन पे औसत कुल ऊर्जा घनत्व के लिए हम इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ये आपको समझ के काम करना है, ठीक है ना। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का औसत कुल ऊर्जा घनत्व, औसत कुल ऊर्जा घनत्व, बउआ औसत कुल ऊर्जा घनत्व के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। अब ये बताइए समझ आया कि नहीं आया आपको, ठीक है। जब आपको फॉर्मूले हमने बताए हैं अभी पिछली क्लास में, वहां भी आप देखिएगा, वहां पर भी ये लिखाया था हमने, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 एप्सिलॉन नॉट, नहीं ई स्क्वायर, ई की जगह पर है 720 और उसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसे आप सॉल्व करिए भाई, ये 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, इसका स्क्वायर करने पर दो जीरो तो इसके आ जाएंगे। अब 72 का स्क्वायर करना है तो 2 × 4, फिर 7 × 14 × 28 हंसे लगे 2, 7 × 7 = 49 और 2 = 51, 5184, ये 72 का स्क्वायर आ जाएगा। नहीं समझ में आया, अरे ऐसे कर लो, 72 × 72, 2 × 4, 2 × 7 = 14, फिर 7 × 14, 7 × 7 = 49 और 1 = 50, 4
5184। अभी आ गया समझ में? ठीक, इसको हटा दे रहे हैं। इसको अब आपको गुणा करना है, ठीक है? चलो हम यहीं पर गुणा कराते हैं, ये हम बाद में लिख लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पहले 5 से। आप एक काम कर दो, ध्यान से देखो, इस 0 को 2 हटाओ और 2 अंक के दशमलव भी यहां से हटा दीजिए, तो 0 का तो काम ही खत्म हो गया, ठीक है ना? अब गुणा करिए, 4 × 5 = 20, हंसी लगे 2। यार गुणा तक भूल गए, बताओ। 4 × 5 = 20, हंसी लगे 2, 4 × 8 = 32, 32 और 2 = 34, हंसी लगे 3, 4 × 8 = 32 और 3 = 35। अब 8 से करना है, तो 8 × 5 = 40, हंसी लगे 4, 8 × 8 = 64 और 4 = 68, हंसी लगे 6, 8 × 8 = 64 और 6 = 70। अब 1 से करेंगे तो 5 × 8 = 8, फिर अब इसके नीचे आ जाएगा तो 5 से करेंगे 5 × 5 = 25, हंसी लगे 2, 5 × 8 = 40, 2 × 42 हंसी लगे 4, 5 × 8 = 40 और 4 = 44, 0 4 18 के 8 हंसी लगा 1, 3 × 1 = 4 8 = 12, 5 × 17 = 7 हंसी लगा 1, 8 × 7 = 15, 2 × 17 = 18 हंसी लगा 1, 4 × 1 = 5 = 4। गुणे 10^-12। अब आप इसमें दशमलव भी इधर खिसका सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक दशमलव खिसका दीजिए, तो जब आप 6 अंक दशमलव खिसका देंगे तो ये बन जाएगा 4.59, लिख दीजिए, इसमें एक बढ़ा दीजिए। और कितने नंबर दशमलव आपने खिसकाया है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 उसमें जोड़ दीजिए, तो जब 6 उसमें जोड़ देंगे तो ये कितना बन जाएगा? -6। और ये क्या निकाला हमने? ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व का मात्रक होता है जूल प्रति मीटर क्यूब, ठीक है? तो इस तरह से इसका आंसर बउआ आ जाएगा 4.58 × 10⁻⁶ जूल पर मीटर क्यूब। 4.58 आप लिख दीजिए, मैंने इसको लिखते समय राउंड ऑफ करवा दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दशमलव के बाद सेकेंड डिजिट में 1 का फर्क आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये हमें बताएं कि क्या ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई? आप ध्यान से देखिए, कैसे सोचना है कि कहां से निकाल के ला सकते हैं हम आंसर को। खैर, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मैं पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। लिखा है, निर्वात में संचरित विद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र सदिश का आयाम। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगें चल रही हैं, संचरित हो रही हैं, उसमें हमने देखा कि वैद्युत क्षेत्र का जो आयाम है वो 90 V/m है। वैद्युत क्षेत्र के आयाम को किससे प्रदर्शित कर सकते हो आप? E0 से, और उसकी वैल्यू दी गई है 90 V/m, ठीक है? अब उन्होंने बोला इसके चुंबकीय क्षेत्र सदिश का आयाम क्या होगा। विद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र सदिश का आयाम अगर 90 V/m है तो उसके चुंबकीय क्षेत्र सदिश का आयाम कितना होगा? चुंबकीय क्षेत्र सदिश का आयाम यानी कि B0 पूछा जा रहा है। है कोई फॉर्मूला आपके पास जो B0 निकलवा दे? हाँ, बिकॉज वी नो C इज इक्वल टू E0/B0। अब C की जगह पर हम लिखेंगे 3 × 10⁸, E0 90 है और B0 हमको चाहिए, तो B0 इधर ले आइए, इसको उधर भेज दीजिए। B0 इज इक्वल टू 90/ ये आ जाएगा 3 × 10⁸, देन B0 इज इक्वल टू 3 से इसको कैंसिल करिए 30 टाइम्स में, ये 30 × 10⁻¹। अगर ये वाला जीरो भी इसको दे देंगे तो इसमें एक जुड़ जाएगा और -8 में एक प्लस हो करके ये इसे बना देगा 10⁻¹। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है टेस्ला। इस तरीके से इसका आंसर आएगा 3 × 10⁻¹ टेस्ला, जो कि विद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का आयाम होगा, ठीक है?
आप इसे प्लीज नोट कर लीजिए, इसके बाद और भी क्वेश्चन है हमारे पास, उनको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। लिखा हुआ एक्स दिशा में गतिमान एक विद्युत चुंबकीय तरंग, मतलब जो भी विद्युत चुंबकीय तरंग है वो एक्स अक्ष की दिशा में गति कर रही है, एक्स अक्ष के अनुदिश चल रही है, आकाश के किसी बिंदु पर, आकाश के किसी बिंदु मतलब स्पेस, आकाश का मतलब यहां पर क्या है, स्पेस, स्पेस के किसी बिंदु पर वेक्टर बी की वैल्यू इतने टेस्ला आपको दी गई है, इस बिंदु पर वेक्टर ई का मान क्या होगा। देखिए चीज पहले तो आप समझ लें, जो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो किस दिशा में गतिमान है, एक्स अक्ष की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र जो दिया गया है उसके साथ यहां जे कैप लगा हुआ है, इससे हमको साफ पता चलता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा वाई अक्ष के अनुदिश है। अब एक्स अक्ष के अनुदिश तरंग गति कर रही है, वाई अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का वेक्टर है, तो वैद्युत क्षेत्र का वेक्टर फिर किस दिशा के अनुदिश होगा, जेड अक्ष के अनुदिश होगा, ठीक है ना। तो ये चीज आप याद रखिएगा। अब ये बी का मान दिया है, हमको ई का मान चाहिए, पहले हम परिमाण निकालेंगे उसके बाद हम इसके वेक्टर में बदलेंगे। यहां बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 1.0 × 10⁻¹⁸ टेस्ला। आप सोचोगे यहां तो जे कैप लगा है, तो हमने इसका वेक्टर रूप, वेक्टर जो फॉर्म है वो छोड़ दिया, हमने परिमाण केवल यूज किया है बस। अब इससे हम ई निकालेंगे और फिर ई का वेक्टर फॉर्म हम उसको देंगे। देखिए बड़ी अहम चीज है, उन्होंने अगर बी का वेक्टर फॉर्म दिया तो आपको भी ई का वेक्टर फॉर्म ही बताना पड़ेगा। तो आप केवल परिमाण पहले ले लीजिए और वहां से ई का परिमाण निकालिए और फिर ई को हम वेक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ई के लिए क्या सूत्र लगेगा, ई अपॉन बी इज इक्वल टू सी। आप सोचेंगे ई नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू सी होता था, पर ई अपॉन बी इज इक्वल टू बी सी हो सकता है, कैसे, हम ई नॉट की जगह, आपको याद होगा ई नॉट बराबर अंडर रूट टू इंटू ई आर एम एस, तो ई नॉट की जगह अंडर रूट टू इंटू ई लिखेंगे, बी नॉट की जगह अंडर रूट टू इंटू बी लिखेंगे, फिर अंडर रूट टू से अंडर रूट टू कैंसिल हो जाएगा, तो ई अपॉन बी इज इक्वल टू बी सी आ जाएगा। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ई इज इक्वल टू, सॉरी ई की वैल्यू आएगी बी इंटू सी, तो ई इज इक्वल टू बी की जगह पर लिखेंगे 1.0 × 10⁻¹⁸ और सी की जगह पर लिखेंगे 3 × 10⁻¹⁸। इसे हम कर लेंगे सॉल्व, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3.0 × 10⁻¹0। देखो बेटा प्लस 8 और माइनस 8 10 की घात 0 बना लेंगे और 10 की घात 0 का मान कितना होता है 1। इस तरीके से ई का परिमाण कितना आ गया 3.0 न्यूटन पर कूलॉम। अब जब ई का परिमाण आ गया और ई की डायरेक्शन हमको पता है, अभी आपको बताया ई की डायरेक्शन क्या है, जेड अक्ष के अनुदिश, जेड अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश कौन होता है, के कैप, इसलिए हम चाहे तो आप ई का वेक्टर बना के आपको बता सकते हैं। इसलिए ई का वेक्टर क्या बनेगा, ये लिखेंगे परिमाण 3.0 और जेड अक्ष की दिशा में जो इकाई सदिश है के कैप, उसको इसके साथ लिख देंगे और यूनिट न्यूटन प्रति कूलॉम। ये वेक्टर ई की वैल्यू बन जाएगी 3.0 के कैप न्यूटन पर कूलॉम। अब ये बताएं कि क्या ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई, भाई आई, किस रूप में चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया है, वेक्टर फॉर्म में, वैद्युत क्षेत्र का मान किस फॉर्म में मांग रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में। तो हमें पहले चुंबकीय क्षेत्र जो दिया है, पहले हमें इसका मैग्नीट्यूड ले लिया परिमाण, उसके परिमाण से हमने फॉर्मूला लगाया ई अपॉन बी इज इक्वल टू सी और उससे सॉल्व करके ई निकाल लिया पहले, मतलब हमने ई का परिमाण निकाला, ठीक है। अच्छा, परिमाण निकालने के बाद वेक्टर फॉर्म बनाएंगे और वेक्टर फॉर्म पिछली क्लास में ही बताया गया था कि परिमाण का गुणा उसी दिशा के अगर इकाई सदिश से कर देंगे तो आपको फुल वेक्टर मिल जाएगा। तो परिमाण लिया हमने और ई की दिशा क्या थी, तो उसके लिए पहले भी हमने बताया कि अगर विद्युत चुंबकीय तरंग एक्स अक्ष की दिशा में गति कर रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वाई अक्ष के अनुदिश है, तो वैद्युत क्षेत्र फिर जरूर जेड अक्ष के अनुदिश रहेगा और जेड अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश होता है के कैप, तो उसके साथ के कैप हमने लगा दिया। ये बहुत सोच समझ कर आप करिए, इसकी बहुत अहमियत है। थोड़ा सा भी आप भूलेंगे तो आपसे क्वेश्चन गलत हो सकता है, हो सकता है आप ध्यान ना दें और जाने अनजाने ई की जगह ई की मान तो निकाल लें इतना, पर उसके साथ भी आप जे कैप लगा दिया आपने,
गलत हो जाएगा आपका आंसर। कुछ हमारी बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास परिमाण भी है दिशा भी है, तो इन चीजों का बहुत ख्याल रखेंगे आप, आपसे गलती नहीं होनी चाहिए भाई। समझ आया या मैं फिर से बताऊं? आ गया है समझ में? ठीक, 7 नंबर क्वेश्चन पर देखिए। 25 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति की एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 25 मेगाहर्ट्ज, आवृत्ति को हम न्यू से लिखेंगे, 25 मेगाहर्ट्ज का मतलब है 10^6 हर्ट्ज। निर्वात में एक्स अक्ष का अनुदिश गतिमान, देखो फिर से वही बात आ रही बउआ, निर्वात में किसकी दिशा में गतिमान है? एक्स अक्ष की दिशा में गतिमान है। आकाश में मतलब स्पेस में किसी विशिष्ट बिंदु पर, स्पेस पे हमने स्पेशल पॉइंट लिया, उस पॉइंट पर हमने देखा कि वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू इतनी आ रही है, ये वैद्युत क्षेत्र का वेक्टर है, 6.3 J कैप वोल्ट पर मीटर। अब देखो अंदाजा लगाइए यहां से, ई कैप ई वेक्टर का जो वैल्यू दिया है उसके साथ जे कैप लग के आ रहा, एक्स अक्ष की दिशा में तो तरंग गति कर रही है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है? वैद्युत क्षेत्र के साथ जे कैप लगा, इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र किस के अनुदिश है? वाई अक्ष के अनुदिश है। तो एक्स अक्ष की दिशा में तरंग संचरण की दिशा, वाई अक्ष के अनुदिश इलेक्ट्रिक फील्ड, अब तीसरा बचा क्या? जेड अक्ष, तो उसकी दिशा में कौन आएगा? चुंबकीय क्षेत्र। तो आपका काम यह है कि पहले चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकालो और फिर जेड अक्ष के अनुदिश है ना उसके साथ के कैप लगा देना, बस इतना सा काम है केवल। और हम पहले ई का मान निकाल लेते हैं, ई का परिमाण, ई का परिमाण कितना आएगा? 6.3 वोल्ट पर मीटर, ये ई का परिमाण हमने ले लिया। अच्छा बेटा अब हम बी निकालेंगे, तो ई अपॉन बी इज इक्वल टू सी करेंगे, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ई अपॉन सी, ई की वैल्यू है 6.3, सी स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10^8, इट मींस जब इससे इसको सॉल्व करेंगे 3 × 6 = 3 = 3, 2.1 × 10^-8 टेस्ला। ये क्या निकाल लिया बता सकते हैं? ये हमने चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकाल लिया, बल्कि हमें बताना क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का सदिश बताना है, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। देखो अब आप ये सोच सकते हो कि उन्होंने केवल चुंबकीय क्षेत्र पूछा है, सदिश तो नहीं बोला, पर अगर चुंबकीय क्षेत्र पूछा है तो चुंबकीय क्षेत्र क्योंकि एक सदिश राशि है, और चुंबकीय क्षेत्र पूरा ही तब होगा जब परिमाण के साथ आप दिशा बताओगे। तो परिमाण हमने निकाल लिया, दिशा के साथ मुझे इसको लिखना है, देयरफॉर वेक्टर बी विल बी इक्वल टू, पहले मैग्नीट्यूड लिख देंगे 2.1 × 10^-8, और अब बताएं हम इसके साथ क्या लिखें, आई कैप जे कैप की के कैप? के कैप लिखें। क्यों के कैप लिखें बताओ? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जेड अक्ष के अनुदिश है, और जेड अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश कितना होता है? के कैप, इसलिए हम के कैप लिखेंगे। और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला, तो इसके साथ टेस्ला भी लिखो, है ना। इस तरीके से ये आपका बन जाएगा पूरा जवाब, 2.1 × 10^-8 के कैप टेस्ला। अब ये बताएं आपको समझ नहीं आ रहा है? ये आ रहा है समझ में, तो आप प्लीज इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, और आगे की न्यूमेरिकल अब हम आज नहीं लगाएंगे और अगले दिन लगाएंगे, ठीक है। और एक आध दिन और चलेंगे न्यूमेरिकल, नहीं तो बस खत्म हो जाएंगे इसमें, क्योंकि लेसन भी ज्यादा बड़ा नहीं था और न्यूमेरिकल भी इस पे कम ही है। तो आज हम लोग फिजिक्स में इतना ही रख लेते हैं, आगे और भी पढ़ाई करेंगे पर अगली क्लास में करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।